हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास झा और आप देख रहे हैं प्रतिभा पाठशाला। प्रतिभा पाठशाला के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो कल हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने बात की कि जो हमारा क्या सिलेबस है, क्या क्या से पैटर्न है क्वेश्चंस के, और हमने जो बात की थी कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक में जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और बेसिक जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट थे वो मैं फिर से आपको एक बार समराइज करवा देता हूँ। जो ये आपका टाइम एंड वर्क है इसमें हमने बात की थी एफिशिएंसी से रिलेटेड, कि जो ये पूरा टॉपिक होगा वो एफिशिएंसी के आसपास घूमेगी, ठीक है। और जो आपका टाइम होता है, टाइम और जो एफिशिएंसी होती है उसका ही प्रोडक्ट होता है क्या, वर्क। इसका मतलब ये है कि हिंदी में लिख दे रहा हूँ कि जो आपका समय होगा, समय और जो आपकी कार्य क्षमता है इसी का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, काम, टोटल काम। ये बातें बताई थी हमने। और जो एक थी कि जो टाइम होता है हमारा, समय जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एफिशिएंसी का। मतलब कि टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी का। टाइम जितना ही ज़्यादा आप लोगे काम करने में एफिशिएंसी आपकी उतनी कम होगी, या फिर एफिशिएंसी आपकी जितनी ज़्यादा होगी टाइम आप उतना क्या होगा, आप कम लोगे। तो ये बातें हमने आपको कल बताई थी और एक दो क्वेश्चंस किए थे। तो जो लेवल वन के हमने दो क्वेश्चंस किए थे कल, जो थर्ड क्वेश्चन है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है लेवल वन का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आप ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ए कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कम्प्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कम्प्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब देखो आप कल क्या था कि ए बी का दोनों का दिया हुआ था इंडिविजुअल कितने दिनों में काम कर रहा है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा था कि दोनों अगर साथ में काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएंगे। आज क्या दे रहा है आपको कि ए कर रहा है 12 दिनों में और दोनों मिल करके कर रहे हैं 8 दिनों में, तो बी को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा। अब आप सॉल्यूशन देखो इसका, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में, ये हो गया आपका ए, ए कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, ठीक है, ये चीजें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है कि दोनों मिल करके काम को कर रहे हैं 8 दिनों में। दोनों मिल करके मतलब हुआ कि ए प्लस बी, ये दोनों मिल करके काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 24, ये हमारा क्या हो गया, काम। अब वर्क को हम डिवाइड करेंगे टाइम से तो हमारी आ जाएगी इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ठीक है। तो 24 अपॉन 12 हो गया 2, ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, ए की एफिशिएंसी। अब देखो कल जो हमने किया था उसमें था कि यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी, मतलब 24 अपॉन 8 ये हो गया 3। तो ये जो 3 देख रहे हो ना, ये किसकी एफिशिएंसी है, ये है ए की एफिशिएंसी, और ये जो देख रहे हो आप ये है ए प्लस बी की एफिशिएंसी। अब एक बात बताओ आप मुझे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 और ए की एफिशिएंसी है 2, ए की एफिशिएंसी क्या है 2, तो अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, जिससे दोनों को ऐड करके 3 हो जाए, दोनों को ऐड करके 3 हो जाए, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1। आपसे यही पूछ रहा है ना, दोनों की कंबाइंड दे रखा है कि टुगेदर दे कैन कम्प्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कम्प्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। मतलब अगर अकेले काम करे भी तो काम कितने दिनों में वो खत्म कर देगा। तो इंडिविजुअल बी का पूछ रहा है आपसे, तो आपको बी की जो है इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। आपको एक की पता है यहाँ पे 2, ए प्लस बी की पता है 3, तो जो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 - 2 - 1। ये जो है बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 - 2 - 1, मतलब एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आ गई हमारी,
एफिशिएंसी ऑफ बी हो गई 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट है, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 1 यूनिट। तो बी कितना टाइम लेगा? बी विल टेक, अब देखो काम बी के लिए भी कितना है, 24। बी की एफिशिएंसी क्या, 24 यूनिट वर्क है, और बी करने में कितना टाइम ले रहा है, 1 यूनिट पर डे कर रहा है काम। तो अगर 1 यूनिट पर डे काम करेगा और इसकी टोटल काम करना है इसको 24, तो टाइम कितना लगेगा, 24/1=24 डेज। तो ये हो गया आपका आंसर सी, ये था थर्ड क्वेश्चन। इसको आप रिवाइज कर लेना अगर समझना है कि ए 12 दिनों में कर रहा है, ए प्लस बी 8 दिनों में कर रहा है। तो ए प्लस बी की कहाँ, यहाँ पे क्या आ रही है, कंबाइंड एफिशिएंसी आ रही है 3। यहाँ पे ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ रही है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 2 थी, ए की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की 3 है। तो ये जो ए प्लस बी जो है, ये दोनों, ये ए की एफिशिएंसी है, टोटल 3 है, तो बी की एफिशिएंसी बस यही बच गई ना, एक बच गई बी की एफिशिएंसी। तो यही हो गया 24/1=24 डेज। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन लेवल 1 का। अब हम करेंगे लेवल 1 का ही फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 8 डेज, एंड सी एंड ई इन 6 डेज, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन। अब देखो ए प्लस बी का कंबाइंड दे रखा है, अगर ए प्लस बी साथ में काम करते हैं, ए प्लस बी अगर साथ में काम करे तो 12 दिन लगता है, ठीक है। बी प्लस सी अगर साथ में काम करे तो यहाँ पे 8 दिन लग रहे हैं, और सी प्लस ए कर रहा है तो 6 डेज। तो अगर इंडिविजुअली अगर अकेला बी करे काम को, उस काम को, तो कितना टाइम लगेगा। तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि अगर आपको पूछ रहा है कि बी कितनों दिनों में करेगा काम को, तो आपको बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी यूनिट होगी पर डे। अगर वो आपने फाइंड आउट कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी होगी क्वेश्चन देख करके कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी, ये सॉल्यूशन देखो आप, ये दिया हुआ देखो, सॉल्यूशन देखो आप, इसमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में, ये दिया हुआ है ए प्लस बी कर रहा है काम को 12 डेज, बी प्लस सी कर रहा है कितने दिनों में, ये गिवन है आपका 8 डेज, और जो सी प्लस ए काम को कर रहा है सेम काम को, तीनों के लिए काम सेम है, ए प्लस बी अगर साथ में काम करे तो 12 दिन लग रहे हैं, बी प्लस सी काम को करे तो कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन, और सी प्लस ए सेम काम को कर रहे हैं तो इनको लग रहे हैं 6 दिन, 6 डेज। अब आप करोगे क्या, फिर से ये जो तीनों नंबर है इनको हम लेंगे LCM, इमेजिनरी वर्क निकालने के लिए। ये हो जाएगा 12/6 का LCM होता है, 24 यूनिट हो गया ये आपका काम, ये क्या हो गया काम। तो काम को हम डिवाइड किससे करते हैं, टाइम से, तो हमारी एफिशिएंसी आती है। तो ए प्लस बी की अगर कंबाइंड एफिशिएंसी हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2 यूनिट एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी 2 यूनिट। 24 को 8 से करेंगे तो ये हो गया 3 यूनिट, 24 को 6 से करेंगे तो हो गया हमारा 4 यूनिट। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 2, बी प्लस सी की 3, सी प्लस ए की 4। आपको पता करना क्या है कि बी कितना टाइम लेगा काम को करने में, तो हमको पता क्या करना है, बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे वो देखो आप, यहाँ पे ए प्लस बी का 2 है, अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी कितना है 2, बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 3, और सी प्लस ए की कितनी है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 4, ये आपको गिवन है, ये अभी हमने निकाला है 2, 3 और 4। तो अब हम करेंगे क्या, इन सबको कर देंगे ऐड। अगर ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को अगर आप ऐड करोगे ना, ये होगा 2 × a + b + c, अगर इस साइड आप सबको ऐड करोगे तो, इस साइड ऐड करोगे तो हो जाएगा पर 4 × 3 = 7 × 2 = 9, ये कितना हो गया 9। अब एक बात बताओ आप, ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो एफिशिएंसी है ना वो है 9, तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी, मतलब ए प्लस सी बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, 9/2 = 4।
4.5 यूनिट। अभी तक हमने क्या क्या, ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी थी यहाँ पे दो, बी प्लस ए की तीन, सी प्लस ए की फोर, हमने इन सबको एक साथ ऐड कर दिया तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 9 यूनिट। तो 9 यूनिट हो गई तो फिर ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 4.5 यूनिट। आपको निकालना किसका है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है आपको। तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है आपको, तो एक बात बताओ आपको ये निकालनी है, अगर मुझे ए प्लस सी का पता हो, अगर मुझे ए प्लस सी का पता हो तो हम बी का फाइंड नहीं कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे ए प्लस सी प्लस बी कितना दिया हुआ है 4.5, ए प्लस सी गिवन है ना दोस्त, यहाँ पे ए प्लस सी कितना है 4, यहाँ पे देखो ए प्लस सी कितना है 4, यहाँ पे हम पुट कर दिया 4 तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0.5, बी की एफिशिएंसी हो गई 0.5 यूनिट। तो बी कितना टाइम लेगा, बी विल टेक टोटल काम कितना आपका 24 यूनिट, काम है आपका 24 यूनिट और एफिशिएंसी क्या है 0.5, 0.5 आपकी एफिशिएंसी। तो अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो यहाँ पे डेसिमल है ना, डेसिमल अगर हम हटाएं तो यहाँ पे जीरो लग जाएंगी, यहाँ पे 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा 48 डेज, आपका 48 डेज हो जाएगा ये ऑप्शन आंसर। मतलब आपने बी की एफिशिएंसी निकाल ली, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे निकाला हमने आप देख लेना ये वाली चीज़ें। अब हम करते हैं जो क्वेश्चन लेवल 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें थोड़ा सा परसेंटेज वाली चीज़ें आपको समझनी होगी क्योंकि टाइम एंड वर्क में ना कुछ कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक्स कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज, वाई कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज एंड जेड कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 डेज, हु विल कम्प्लीट द वर्क फर्स्ट। मतलब इसमें आपको बस ये पता करनी है कि एफिशिएंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्द काम को ख़त्म कर देगा। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो एक्स है आपका, जो एक्स है वो 1/4 काम, काम का 1/4 पार्ट कितने टाइम में कर रहा है 10 दिनों में 10 डेज। तो जो 1/4 पार्ट कर रहा है 10 डेज में, तो जो 1 पार्ट होगा वो कितने टाइम में करेगा टोटल काम, जो 1 पार्ट होगा वो टोटल काम करेगा वो 10 × 4 40 डेज, 40 दिन लगेंगे करने में इसको काम। मतलब फोर्थ पार्ट किसी भी काम का चौथा वाला भाग वो कर रहा है 10 दिन में 1/4 पार्ट, तो जो पूरा कंप्लीट काम होगा वो करेगा 10 × 4 40 डेज में एक्स। उसके बाद जो वाई है वो 40% काम कर रहा है आपका कितने टाइम में 40 दिनों में, 40 दिनों में कर रहा है। तो जो 100% कोई भी काम, देखो जहां पे 1 पार्ट लिखा ना हमने, 1/4 का जो कंप्लीट है वो 1 होता है, जो कंप्लीट काम है वैसे काम का 40% दिया हुआ है, जो कंप्लीट काम होगा वो होगा 100%। मतलब 40% 40 डेज में कर रहा है तो 100% करेगा, जो 100% करेगा वो आपका 40% 40 है तो 1% हो गया 40/40 और 100% हो जाएगा × 100, मतलब इसको लग जाएंगे 100 डेज। बच गया जेड, जेड जो है 1/3 कर रहा है 13 डेज में, 1/3 मतलब किसी भी काम जो पूरा मान के चलिए पूरा 1 यूनिट है, इसका थर्ड पार्ट मतलब 1, 2 और 3 जो इसका थर्ड पार्ट काम है वो कर रहा है 13 दिनों में, तो थर्ड पार्ट 13 दिनों में कर रहा है। देखो ये जेड कर रहा है 1/3 पार्ट कितने दिनों में 13 दिनों में, तो जो टोटल काम होगा ना, टोटल काम, ये जो टोटल काम है आप यहां पे आप लिख दो यहां पे टोटल वर्क, इसको टोटल वर्क करने में लगेंगे 40 डेज, तो टोटल वर्क करने में जेड को कितना लगेगा 1/3, 1 यूनिट करने में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 डेज लगेंगे। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस दिया हुआ था कि एक्स 1/4 पार्ट कर रहा है 10 डेज में, वाई 40% कर रहा है 40 डेज में, जेड कर रहा है 1/3 पार्ट 13 डेज में, तो पूछ रहा है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, तो जो जितने कम टाइम में कर रहा है वो उतना कंप्लीट पहले करेगा। बस सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन था। तो एक्स को लग रहे हैं 40 डेज, वाई को लग रहे हैं 100 डेज,
और जेड को लग रहे हैं 39 डेज, तो सबसे पहले कौन ख़त्म कर रहे हैं? जेड। तो ये हो गया हमारा आंसर, सी ऑप्शन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे लेवल वन के, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चंस मैंने लिए थे लेवल वन के, ये हमारा हो गया ख़त्म। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेवल टू के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो एक साथ करेंगे, जो लेवल टू के क्वेश्चंस हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप कोई भी अगर सजेशन हो तो वो हमें दीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, जो आगे वाली हमारी अपकमिंग वीडियोस है उसको आप अच्छे से देख पाओ। और हमारी ये फोकस यही है कि आप वीडियोस को काफ़ी अच्छे से देखो और बेनिफिट अच्छे से ज़्यादा लो, क्योंकि जो मैंने अभी CGL 19 का मेंस दिया है उसमें मेरे मार्क्स है 190 out of 200, और मैंने बहुत सारे मल्टीपल ऑफ पेपर्स, मैंने CGL CDS FCAT IB ACIO RPFSI बहुत सारे पेपर मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मुझसे पढ़ने का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, मैं बहुत गाइडेंस भी आपको कुछ कुछ चीज़ें और बताऊंगा कि कैसे और सारे पेपर को क्लियर करने हैं आपको, आपको की जॉब लगेगी। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।